जल्दी दे दे यार, जल्दी दे दे। पैसे कल ना। कैसे तू यार? भोपले पकोड़े कैसे? अच्छे हैं यार। इसके पकोड़े इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि पैसे तुम दे रहे हो। पागल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि घर में जब पकोड़े बनते तो इतने अच्छे क्यों नहीं लगते? घर में हम अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ भी बोल गोखले, बाहर की चीजें जायकेदार रहती है यार। घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर लगती है। बाबा बाबा कुछ दे दो ना, दो दिन से भूखा हूँ। सच कहता हूँ बाबा, दो दिन से भूखा हूँ बाबा। अरे दे दो ना। लंच नहीं करने का पटिया से। बाल बच्चे भी भूखे हैं बाबा, कुछ दे दो ना। तो हम लोग भी भूखे, इसलिए तो लंच आवर्स में हम लोग पकोड़े खा रहे हैं। अरे बाबा कुछ दे दो ना, बहुत भूखा हूँ मैं। भूखा हूँ क्या? भूखा हूँ जाने दे यार, माफ करो, माफ करो बाबा, माफ करो बाबा। बूढ़ा हूँ, बूढ़ा हूँ बाबा। बूढ़ा है तो क्या हमारा कसूर है? बाबा बाबा बोल के हमें बूढ़ा मत बना, समझा? चल फट, दो पकोड़े खा लो। ले, बुरी आदत डाल रहा है, कल उसे भूख लगेगी और पकोड़े चाहिए तो क्या करेगा वो, कहाँ जाके खरीदेगा? गरीबों पर रहम खाना सीख बेटा। अबे चल बे, तुम गरीब लोगों में ही ज्यादा मस्ती रहती है, चल फट। संभाल कर बोलना वरना तुम पछताओगे। धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, हमारे पकोड़े खाकर हमें धमकी दे रहा है। चल जा, एक गरीब का तूने अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जो भी बुरी बात बोलेगा वो सच निकलेगी। चलो इसी वक्त ट्राई कर लेते, यहाँ बूढ़े बाबा तो इसी वक्त जवान हो जाएगा। जवान केशु, केशु क्या है? क्यों सुबह सुबह मेरे नाम का जाप कर रही हो? जाओ जाओ, तुम्हारे नाम का जाप नहीं कर रही हो, बेल बज रही है, जाकर देखो कौन आया है। वो सुबह सुबह मेरे घर आने वाले, तेरा मुंह काला। ए, कौन है तो? गंगा मौसी, ये क्या हुआ? तू इतनी मैली कैसे हो गई? या फिर कहीं जाकर अपना मुंह काला करके आई है तू? क्या हुआ गंगा मौसी? अरे किसी शरारती लड़की ने मेरे मुंह पे होली का रंग लगा दिया। ओ, अच्छा अच्छा, मुझे तो लगा काले दंत मंजन को पाउडर समझ के तुमने अपने मुंह पे लगा लिया। जो कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और वो भी अकेले में। देखे गंगा, मेरी बुराई मत करना वरना खाना हजम नहीं होगा, समझी? और जल्दी करना। केशु आउट। बोलो। अरे तेरे पति की जबान पर काला तिल है, तुमने कब मेरे पति की जबान देखी? देखने की क्या जरूरत है, वो जो कुछ भी अशुभ बोलता है ना वो सब सच हो जाता है। जा, मुझे नहीं यकीन। यकीन नहीं तो जा, जाकर शीला से मिलो। क्या हुआ शीला को? बच्चा हो गया बच्चा। तो इसमें केशु का क्या कसूर है? उसी का कसूर है। क्या? देखो वो शीला अपनी बालकनी में केले खा रही थी है? और उसी वक्त केशु नीचे से जा रहा था है? अब उसने गलती से केले का छिलका उस केशु के ऊपर फेंक दिया। बुरी बात की शीला। आगे तो सुनो। फिर केशु ने ऊपर देखकर कहा, हाँ। शीला मुझे लगता है तुम्हारे दिन भर गए। और एक ही घंटे में वो माँ बन गई। तो अच्छी बात हुई ना? बात तो अच्छी है, हाँ? लेकिन उसको डॉक्टर ने अगले महीने की तारीख दी थी। क्या? हाँ। वे गंगा, अभी तक तेरा पूरा नहीं हुआ क्या? क्योंकि मैं चलती हूँ, हाँ। मैंने जो कहा उस पर गौर करना। क्या हुआ गंगा मौसी? पेट में अचानक दर्द हो गया। ये सब मेरी बुराई करने का नतीजा है। चलो जाओ जाओ और संभल के जाना, कहीं फिसल गई तो टांग टूट जाएगी। जाओ। अशुभ बोल दिया, अब तो मुझे संभल के ही जाना पड़ेगा। पागल औरत। अशुभ क्यों ऐसा कर रहे हो? सचमुच गिर गई। ला 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 ला। ओह हेलो प्रेमा जी। गुड मॉर्निंग केशव जी। गुड मॉर्निंग प्रेमा जी, शूटिंग के लिए जा रही हैं? जी हाँ, आप साथ चलेंगे क्या? जी मैं जरूर चलता, लेकिन क्या करूं, आपका डायरेक्टर मुझे देखते ही शूटिंग पैकअप कर देता है। ये बात भी सही है। केशव जी, जी आज रात आप मेरे घर जरूर आइएगा। क्यों? आपको अपनी नई फिल्म के प्रेमी के पासेस देने हैं। जरूर आऊंगा प्रेमा जी, जरूर आऊंगा। थैंक यू। बाय बाय। प्रेमा जी, हाँ? गाड़ी संभाल के चलाइएगा। क्यों? आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। केशव जी आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। थैंक यू। बाय बाय।
बाय बाय। एक मिनट प्रेमा जी, एक मिनट। क्या हुआ? ओके बाय बाय। प्रेमा जी, उन दो बॉम्बे वाला लास्ट ईयर के परचेस बिल्स कहाँ है? वो सामने वाले रैक पे रखे। सामने वाले रैक में? नो डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन एट ऑल। ये यहाँ एक गोखले। यस कुलकर्णी जी आएंगे तो उन्हें केसेस दे देना। क्यों, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हमको कुलकर्णी से बात नहीं करने का। क्यों, क्या हुआ? आजकल उन्हें बात करने की तमीज नहीं है, कुछ भी बकते हैं। कल जब हम बस स्टॉप पर खड़ा था तो हमारे पास आके बोला, मिसेस लक्ष्मी अपना पर्स को संभाल के रखो नहीं तो कोई उड़ा ले जाएगा। क्या हुआ? अयो सचमुच हमारा पर्स कोई उड़ा ले गया। अरे मेरे बारे में भी उनकी भविष्यवाणी सही निकली। क्यों, आपका भी पर्स किसी ने उड़ा दिया क्या? जी नहीं, कल जब मैं पुरानी फिल्म की कैसेट लेके आई तब केशव जी कहने लगे, पुरानी फिल्म क्यों देखती है, वीसीआर का हेड खराब हो जाएगा। बात तो सही है। अरे क्या बात सही है, पिछले 6 महीने से हम लोग पुरानी फिल्म देखते हैं, तब हेड खराब नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा तो हेड खराब हो गया। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा हेड चकराने लगा है। गुड मॉर्निंग मिस जोशी। गुड मॉर्निंग आईबीएम लक्ष्मी। क्या बात है गोखले, ऑफिस में काम का लोड बढ़ गया है क्या? नहीं, ये सब तुम्हारा लोड है। क्या मतलब? बाद में बात करते हैं। बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। ओ बॉम्बे वाला, ये मुंह में क्या डाल रहा है? कल रात को पान खाया था, लगता है कुछ फंस गया है। पिन डाल रहा है, संभालना, दांत में घुस जाएंगे तो सारे दांत निकालने पड़ेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मसूड़े में पिन घुस गई है। ओ गोखले, बॉस से कह देना मैं अभी डेंटिस्ट के पास जाके आता हूं। ओहो, लगता है इसके सारे दांत निकालने पड़ेंगे। इडियट को ना कहता दांत में पिन मत डाल। चुप रहो केशव, तुम चुप रहो। तुम मुझे क्यों? तुम दोनों बॉस ने कैबिन में बुलाया। अबे आहिस्ता बोलना, चिल्ला क्यों रहा है? गला बंद हो जाएगा। हो गया, गला बंद हो गया। केशव तुम क्यों बोल रहे हो? अरे यार कमाल कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं? किसी को एडवाइस देने का जमाना ही नहीं रहा। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे एडवाइस की। क्यों? तुम्हारे एडवाइस से सबका नुकसान ही हो रहा है। मैंने क्या नुकसान किया? चुप रहो, बॉस ने बुलाया है, चलो अंदर। बॉस ने बुलाया? चलो। सुनो आईबीएम लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं, चलो। डियर फ्रेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के बेटरमेंट के लिए कुछ सुझाव मांगे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो हम उसका जरूर स्वागत करेंगे। कहां सर? तुम्हारे सर पर। तो बात ठीक से सुनते नहीं हो, ऊपर से बेवड़ा सवाल करते हो। सर 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 सर, मेरा एक सुझाव है, अपने कंपनी की तरक्की इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वर्कर्स के सिर पर किसी न किसी घरेलू जिम्मेदारी का तनाव रहता है। मसलन उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी याद उन्हें सताती है। तो कंपनी इसमें क्या कर सकती है? अरे कर सकती है सर, जरूर कर सकती है। सिंपल, बच्चों को यहाँ ऑफिस में आने की परमिशन दे दीजिए आप। यहाँ माताएं अपना काम करती रहेंगी और बच्चे खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे और हम भी उनके साथ खेलेंगे। गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन कुलकर्णी। और कुछ सुझाव? हाँ सर, मेरा और एक सुझाव है, लंच के बाद बड़ी सुस्ती आती है, लिहाजा लंच के बाद हम सब के लिए 1 घंटा आराम करने का प्रबंध किया जाए। यस सर। तुम ठीक कहते हो गुगले, लंच के बाद कई बार मैंने भी आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश की है, लेकिन क्या बताऊं। गुगले ऐसा करो कि कंपनी के हर आदमी के लिए पर हेड एक एक गद्दा और तकिया परचेज कर लो। ओह थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर सर, मेरे पास भी एक और सजेशन है। बोलो। सर हमारी ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी हो चुकी है। ठीक कह रहे हो। सर इस बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत है, वरना एक दिन ऑफिस की जो छत है वो आपके सर पर गिर जाएगी। केशव अब तो चुप रहना, तो पूरी बिल्डिंग गिरा देगा। केशव, केशव, इधर बैठो। जानते हो तुम्हारे बारे में क्या गड़बड़ हो रही है? अरे यार तुम जो भी बोल रहे हो वो सच हो रहा है। हाँ हाँ केशव, हाँ तुमने मिसेस लक्ष्मी से कहा तुम्हारा पर्स चोरी हो जाएगा, चोरी हो गया। तुमने मिस जोशी से कहा तुम्हारे वीसीआर का हेड खराब हो जाएगा, खराब हो गया। हाँ, और आज तो तुमने बॉस के सर पर छत गिरा दी। अरे वो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक नहीं केशव, ये उस भिखारी के श्राप का असर है। कौनसे भिखारी? वही जिसके हाथ से तुमने पकोड़े छीन लिए। अरे वो एक बोगस भिखारी था, तुमने देखा नहीं? मैंने उसे कहा कि तुम जवान हो जाओगे तो कैसा सीना तान कर चलने लगा। अरे वो भी श्राप का ही असर था। अबे तुम पागल हो? समझ गया, समझ गया।
ऐसा भी कभी होता है क्या गोखले? हो रहा है केशव, हो रहा है। ऑफिस छूटने के बाद उस भिखारी को ढूंढ लेते हैं और उससे माफी मांग लेते हैं। यानी उस भिखारी के सामने मैं हाथ फैलाऊं? हाँ। मैं देख गोखले, मेरे पास टाइम नहीं है, आज शाम को मुझे प्रेमा जी के प्रीमियर पर जाना है। नहीं देखो गोखले, हट जाओ, पहले भिखारी को ढूंढेंगे। हट जाओ, नहीं वरना तेरी टांग पे। हाँ हाँ करोड़ीमल जी, अभी पहुंचती हूँ। प्रेमे मेरी फिल्म का नहीं है क्या? बस थोड़ी देर में। ऑलराइट, ओके, बाय। देव, या आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो तुम हर प्रीमियर पे खुश होती है, कौन सी नई बात है? आज मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है देव। तुमने पिछली बार भी यही बात कही थी, यानी कि आज तुम्हारा रिटर्निंग पॉइंट हो गया। देव, इस फिल्म के बाद मैं नंबर वन हीरोइन बन जाऊंगी। यानी तुम्हारे घर बैठने के दिन आ गए? जी नहीं, मेरी डिमांड ऊपर होने के दिन आ गए। अच्छा, ऐसे कौन सी बात है ये फिल्म में? सब कुछ तो है इस फिल्म में। फाइट है, एक्शन है, रेप है, वायलेंस है, डांस है, रोमांस है, एवरीथिंग। एक शो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आजकल जो नंबर वन हिट फिल्म है उसमें शुरू से लेकर एंड तक एक ही शादी है। सो व्हाट, मेरी फिल्म में एक नहीं दो दो शादियां हैं, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद, और हनीमून भी है। यानी हनीमून बच्चे और बूढ़े दोनों एंजॉय करेंगे। दो साल तक, कम से कम दो साल तक हाउसफुल का बोर्ड नीचे नहीं उतरेगा। इतना ऊपर लगाएंगे बोर्ड? यू एंड योर पीजेस, जल्दी तैयार हो जाओ, देर हो रही है। कौन है ये? जाओ देखो ना। ओह माय गॉड, हे डॉल, देखो। ओह नो, उन्हें मैंने ही बुलाया था प्रेमे के पासेस देने के लिए। वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। शट अप दिल, मैं भी उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहती, लेकिन क्या करूं? दिल से कह रही हो? हाँ, तुम्हीं से कह रही हूँ। मतलब अपने दिल से कह रही हो? नहीं तो तुम क्या पराए हो? मेरा मतलब सच कह रही हो? हाँ सच कह रही हूँ। आई डोंट वांट टू टेक हिम दिल। यू नो आज क्या हुआ? क्या? मैं घर से बाहर निकल रही थी, उन्होंने कहा प्रेमा जी संभल के जाना, एक्सीडेंट ना हो जाए, और एक्सीडेंट हो गया। मैं उन्हें साथ नहीं ले जाऊंगी, कुछ करो ना। डोंट वरी, आई विल हैंडल हिम। ओके, आई विल मैन हैंडल हिम। एक्सक्यूज मी, कम ऑन प्रेमा जी, लेट्स गो, प्रीमियर के लिए देर हो रही है। लेकिन ये कैसे जा सकते हैं? तुमने तो कहा था वहां सिर्फ हैंडसम आदमी आ रहे हैं। आप क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं हैंडसम हूं। बॉल में कंगी फिराने से कोई हैंडसम नहीं बन जाता, और ऐसे 100 बार कंगी फिराओगे तो गंजे हो जाओगे। केशव जी, I'm very sorry, मैं आपको प्रेम पे नहीं ले जा सकती। क्योंकि आपके प्रेमे के पास आए नहीं है, सॉरी, बल्कि छपे ही नहीं है, छपे ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं प्रेमा जी, मैं दिलरुबा जी का पास ले लेता हूँ और इनको यहाँ छोड़ देते खेलने के लिए। नहीं, I'm very sorry, ऐसा नहीं कर सकती मैं। देखे प्रेमा जी, आप ऐसे आदमी को साथ लेके जाएंगी तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। क्या मतलब क्या तेरा टेकड़ो? फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, मैं गंजा हो जाऊंगा, क्या मतलब क्या? तू है कौन, तू चाहता क्या? कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। यानी प्रेमा जी, इस सूट की कोई वैल्यू नहीं। अबे जा जा, भाड़े का सूट पहन के आता है, अपना भाव खाता है, दो टके का अफसर। ओके प्रेमा जी, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। देव, तुमने सुना केशव जी ने क्या कहा? मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और मेरे बाल निकल जाएंगे, पागल ना हो तो। मेरे बाल, मेरी फिल्म। जल्दी भागो, फिल्म को बचाओ। क्या है, तुम दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गए? ये सब मेरी गलती नहीं है, ये डैडी की गलती है। डैडी ने क्या किया? डैडी जो कुछ भी बोलते हैं वो सब सच हो जाता है। चुप, तुम ही रह गए थे ऐसा बोलने वाले। नहीं नहीं मम्मी, एग्जाम से पहले डैडी ने कहा था कि इस बार तुम जरूर फेल हो जाओगे, तो हो गया ना मैं फेल। डैडी का बहाना बनाता है। खबरदार जो मुँह से अशुभ बात कही। क्यों? क्या पूरी सोसाइटी में मेरा नाम बदनाम हो गया है? सारी औरतें कहती है तुम्हारे पति की जुबान पर काला तिल है। ये सब बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। अरे दिलरुबा जी, आप इनकी जुबान पर वाकई काला तिल है। ये लो, आ गया मेरा कातिल। कोकी जी, आप इनके मुंह के हमेशा के लिए इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करा दीजिए। क्यों, केशव ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है, मेरा हुलिया बिगाड़ के रख दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। एक ही रात में मैं 50% गंजा हो गया। दिलरुबा जी, इसमें केशु का क्या कसूर है? इनका तो कसूर है, इन्होंने कहा ज्यादा कंगी मत करो वरना गंजे हो जाओगे। लेकिन दिलरुबा जी, आप ऐसे भी अच्छे ही लग रहे हैं। अरे मेरी छोड़ो, उधर टॉल बेचारी रो रो के पागल हो रही है। क्यों, आपके गंजे होने से? मेरे
कंजे होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी फिल्म पिट गई है। और क्या, इंटरवल में ही पिट गई। मालूम है, फ्री पास वाला भी नहीं रुके, वो भी चले गए। तो इसमें क्या केशव का हाथ है क्या? और क्या, हम लोग प्रीमियर के लिए निकले रहे थे, ये आ गए और कहने लगे तुम्हारी फिल्म पिट जाएगी। दिलरुबा जी, आप अधूरी बात बता रहे हैं। मैंने प्रेमा जी से कहा था कि आप दिलरुबा जी को साथ लेके जाएंगी तो आपकी फिल्म पिट जाएगी। ये तुम्हें सब कहने की क्या जरूरत है? कुकी, तो डॉल का रो के पूरा हाल हो चुका है। क्यों? उसने कहा कि वो तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेगी। जाहिर है। अरे क्या जाहिर है, ये तो मेरे लिए जाहिर है। मेरी शक्ल नहीं देखेगी मतलब ऐसा कैसे चलेगा? मैं अभी जाके मिलता हूँ प्रेमा जी से। अरे कौन है? प्रेमा जी मैं। राम छोड़ी नहीं। देखिए प्रेमा जी मेरी बात सुनिए। नहीं कुछ नहीं सुनूंगी मैं। मैंने मन से ऐसा नहीं कहा था। कुछ भी नहीं सुनूंगी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आपकी फिल्म पिट जाए। मेरी बात सुनिए प्रेमा जी। मेरी बात। आ, 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 मेरा हाथ। प्रेमा जी मेरा हाथ। हाथ अंदर रहेगा प्रेमा जी, मेरा हाथ अंदर रहे। होश में आओ केशव, अपने आप को संभालो केशव। गोखले में क्या करूं क्या करूं, इस काले तिल की वजह से प्रेमा जी की फिल्म पिट गई, प्रेमा जी मुझसे रुट गई। गोखले मैं क्या करूं क्या करूं। अब भी मेरी बात मान लो केशव, उस भिखारी से माफी मांग लो। ठीक कहते हो गोखले, चलो मैं माफी मांग लेता हूं। नहीं, सबसे पहले ऑफिस स्टाफ से माफी मांग लेता हूं। अरे नहीं, सबसे पहले तो तुम्हारी माफी मांग लेता हूं गोखले। ना केशव, मुझे माफ कर। ना केशव, मेरे दोस्त मुझे माफ कर। माफ कर गोखले, मैं जानता हूं मेरी वजह से। आगे कुछ न कहना जोशी। कुलकर्णी जी से कभी बात नहीं करना। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? मिस जोशी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ। तुम्हारे पैर, तुम्हारे हेड को रिपेयर करने के लिए, मेरा मतलब है तुम्हारे VCR के हेड को रिपेयर करने के लिए जो कुछ भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। माफ कर देना मुझे। ठीक है ठीक है। मिस IBM लक्ष्मी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ, मुझे माफ कर देना। आइंदा मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम्हारा पर्स चोरी हो जाए। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना, माफ कर देना। बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला, वो अस्पताल में है। पिन की वजह से पॉइजन हो गया और उसके सारे दांत निकालने पड़े। बॉम्बे वाला मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना, भगवान करे तुम्हारे मुंह में नए दांत आ जाए। अस्पताल से ही मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। और कोई बाकी रहेगा? बॉस, बॉस। बोलो सर। सर, मैं आपकी माफी मांगता हूँ। सर, मैं आपके पैर छूता हूँ। सर, मैं आइंदा आपको ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि आपके सर पर छत गिर जाएगी। सर, गोखले यार वो बूढ़ा भिखारी कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप पकौड़े वाले से पूछते। अरे भाई साहब, वो बूढ़ा भिखारी यहाँ घूमता रहता था, वो कहाँ गया? आपको उससे क्या काम है? नहीं वो ऐसे ही हम। एक मिनट, ये वो क्या है कि 4-5 दिन पहले उस भिखारी ने हमें श्राप दिया था। हमें नहीं, इन्हें। मुझे श्राप दिया था। अच्छा अच्छा, उसका क्या है? तो मैं उस भिखारी के पैर छूना चाहता हूँ। एक काम करो, मेरे पैर छू लो। क्यों? क्योंकि मैं ही वो बूढ़ा भिखारी हूँ। हाँ मैं। तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम जवान बन जाओ, तो मैं जवान बन गया। तुमने तो कहा था कि मेरी बुरी बात सच निकलेगी। एक बूढ़े भिखारी के लिए इससे दूसरी बुरी बात कौन सी हो सकती है जो उसे फिर से जवान बनना पड़े
और ये सब मेहनत मजदूरी करनी पड़े। अरे ये तो मेरा श्राप मुझे ही भारी पड़ा। लेकिन यार तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि तुमने श्राप दिया और सच होने लगा? हर इंसान में ये शक्ति होती है, अब किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है, इसलिए किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं श्राप के प्रभाव से कब मुक्त हो जाऊंगा पकौड़े स्वामी? मेरा श्राप सिर्फ एक हफ्ते तक रहता है, दो दिन के बाद तुम मुक्त हो जाओगे। जाओ बच्चा। धन्यवाद धन्यवाद। चल चल धन्यवाद। कौन है? प्रेमा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जाइए आप, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आपकी ज़बान पर काला तेल है। आपके कहने पर मेरी अच्छी खासी हिट फिल्म पिट गई। सॉरी प्रेमा जी, आई एम सॉरी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी अगली सारी फिल्में सुपर हिट हो जाएंगी। कुछ नहीं, आई डोंट वांट टू हियर। दिलरुबा जी का मैं उनकी भी माफी मांगना चाहता हूँ। दिलरुबा जी को बुलाइए प्लीज। मैं ही हूँ, जानने से इनकार करता है गधे। दिलरुबा जी आप तो और भी हैंडसम लग रहे हैं। किस एंगल से? सारे एंगल से। अरे सारे एंगल तो साफ हो गए, तब बचा क्या है? मैं आपकी भी माफी मांगता हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ दिलरुबा जी कि आपके सर से लेकर पांव तक बाल ही बाल उठ जाएंगे। मैं जुड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जुड़ता हूँ। क्यों? मुझे बालू नहीं बनना। केशु तुम चलो घर पर चलो। अरे वो लोग तुमसे अगर बात नहीं करना चाहते तो तुम क्यों इतना मस्का लगा रहे हो? प्रेमा जी आप मुझसे बात नहीं करते? नहीं प्रेमा जी, ऐसा मत कहिए, मुझे बात कीजिए प्रेमा जी, मुझसे बात कीजिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा प्रेमा जी। हो गया। भिखारी ने कहा है दो दिन में ठीक हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे प्रेमा जी। अरे बात नहीं है।